नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। हर रोज आपको हम तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं, चाहे वो राजनीतिक गलियारों से हो या फिर बॉलीवुड की, और भी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। इसी तरह हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरें। तो चलिए जानते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या खास है। जो बाइडेन ने अपने कैबिनेट की घोषणा कर दी है। जी हाँ, अमेरिका के भावी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कैबिनेट में शामिल होने वाले चेहरों का ऐलान कर दिया है। जो बाइडेन ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय के राजनयिक एंटनी ब्लिंकन को विदेश मंत्री नियुक्त किया है। बता दें कि 58 वर्षीय ब्लिंकन ने बराक ओबामा प्रशासन के दौरान उप विदेश मंत्री, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर कार्य किया है। चीन एक नए मिशन की तैयारी में है। इस मिशन में चीन चांद का एक टुकड़ा धरती पर लाने की कोशिश करेगा। बता दें कि इसी सप्ताह चांद पर एक मानव रहित मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। 1970 के दशक के बाद यह किसी भी देश का चांद पर ऐसा पहला मिशन होगा जो चांद से पत्थर के टुकड़े पृथ्वी पर लाने की कोशिश करेगा। इस मिशन का नाम चांगी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें चीन में चांद की देवी माना जाता है। सऊदी अरब में एक हमले की खबर आ रही है। बता दें कि यमनी सेना और स्वयंसेवी बलों के प्रवक्ता ने सऊदी अरब के जेद्दा शहर में स्थित अरामको रिफाइनरी पर मिसाइल से जवाबी हमले की सूचना दी है। रिपोर्ट के मुताबिक यमनी सेना के प्रवक्ता यहया सरी ने यह घोषणा की है कि यमन के मिसाइल यूनिट ने सऊदी अरब के पाश्विक हमलों का जवाब देते हुए सऊदी अरब के जेद्दा शहर में स्थित अरामको तेल कंपनी के वितरण स्टेशन को मिसाइल से निशाना बनाया है। कोरोना का कहर पूरी दुनिया पर एक बार फिर से छा गया है। ऐसे में पाकिस्तान में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते शैक्षणिक संस्थानों को 26 नवंबर से 10 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया।